मैं बारिश की बोली समझती नहीं थी, हवाओं से मैं यूं उलझती नहीं थी, हसीने में डूबी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हुआ कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तो इतना जरूरी, कैसे मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पुरी, तब सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी हो चुका है मॉर्निंग 7 और मैं ये छत के ऊपर हूँ, देखिए मैं छत के ऊपर हूँ, आप लोग देख रहे हो, और बहुत पसीना पसीना क्योंकि स्कूल जब से छुट्टी हुआ है मैं आ रही हूँ ऊपर एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सा वार्म अप के लिए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये दो रखा हुआ है साइकिलिंग और ये वाला, तो इसको करते हैं थोड़ा सा, बाकी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा लग रहा है। स्कूल मॉर्निंग में हो रहा था ना तो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, अब उठोगे 4:30 बजे से रेडी होगे फिर जाओगे तो कहाँ से टाइम होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ऊपर का हाल बहुत बेहाल है, बहुत ख़राब है, मतलब ये घास वास ऐसे हो गया है, मुझे ये सब साफ करना है। देखिए कल ऊपर में आए थे, तब से आई हूँ तब से शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोची कि हाँ थोड़े दिन में बात करूँगी क्योंकि वैसे भी वीडियो नहीं जा रहा था, कुछ वीडियो था तो आज ये वाला जो वीडियो जाएगा तो आज ये वाला वीडियो मैं, मतलब ये वाला वीडियो जब जाएगा तो मैं बोली कि हाँ थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, कुछ तो शूट नहीं है क्योंकि मम्मी भी आई है, तो दीदी लोग गए थे बलांगीर, जो मतलब हम लोग तो चले आए ना बलांगीर से, दीदी लोग रुक गए थे तो मम्मी हमारे साथ आई है, दीदी के लोगों के साथ आई है तो हमारे घर में है, तो उसके अलावा भी हम लोगों का मतलब घर में थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया, मेरी जो चाची सास है उनका डेथ हो गया, मतलब वो बोलते हैं ना खानदान का जो, तो सेम खानदान के हैं हम, उनका एक डेथ हो गया है, तो खुद के चाची सास नहीं है लेकिन हमारे खानदान की है, तो उनका मतलब आज 4th डे है, तो वही घर में उसके लिए भी थोड़ा सा मतलब सब चीज़ चेंज हो गया है, होता है ना ऐसे किसी का डेथ हो जाता है तो आप लोग को तो पता होगा वो चीज़, तो आप लोगों के साथ मैं आज एक चीज़ शेयर करूँगी। जिस दिन सावित्री अमावस्या था उस दिन घर में हम लोग लस्सी बनाए थे, तो वो लस्सी का जो आपका मतलब मैं कैसे बनाई थी क्योंकि जीजाजी लोग ये बच्चे लोग को लस्सी बहुत अच्छा लगता है, तो सोचे कि उस दिन थोड़ा लस्सी बना देता है क्योंकि कोकोनट रहता है, उसके अलावा दही भी हम लोग उसके एक दिन पहले बहुत सारा डाले थे घर में ही, और पैकेट दही मिक्स करके किए हैं, तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको, तो चलिए लस्सी भी देखेंगे और कुछ नया चीज़ भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं लस्सी बनाना, और देखिए मैंने ग्राइंडर में ले लिया है दही, और ये वाला जो पैकेट दही रहता है ना वही वाला है, थोड़ा सा थिक रहता है, और इसमें मैं घर का दही भी मिक्स की हूँ, देखिए ये वाला तो है घर का दही भी मिक्स की हूँ क्योंकि ये 2 पैकेट था और बाकी मैं घर का मिक्स की, तो आप दही ले लीजिए नॉर्मली और उसमें चीनी ऐड कर दीजिए है ना, और उसको ग्राइंड कर दीजिए, ठीक है, तो जब हम ग्राइंडिंग करेंगे ना तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं करना है, आप थोड़ा सा मतलब खाली मिक्स होना चाहिए अच्छे से, जो दही रहता है ना वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए, देखिए ये ऐसे पानी पानी टाइप का निकल आएगा ज़्यादा, देखिए उसका थिकनेस इतना रहेगा, ये दही है, इसमें मैंने पानी एक बूंद भी नहीं डाला, उसको फिर मैंने एक बहुत ही बड़े जगह में ले लिया है, और ये जो रहता है ना इससे जो आप लोग विस्कर टाइप का जो लकड़ी का रहता है जो पहले मम्मी लोग करते थे ना उसी का ही है ये वाला लकड़ी का, तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप ग्राइंडिंग में कर दोगे ग्राइंडर में और उसको तुरंत अगर लस्सी नहीं बनाओगे तो वो उसका जो रहता है ना वो फ्लफी टाइप का वो दब जाता है, उसके बाद जब हम कर रहे हैं ना मैं थोड़ी देर बात कर रही हूँ तो इससे आप करोगे ना दही को तो ज़्यादा फ्लफी रहता है, और देखिए मैंने दही में कुछ मिक्स कर रही हूँ, मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाली हूँ, अपने हिसाब से कम डाली हूँ,
मैं आपको बता देती हूँ, दो पैकेट में शॉप का जैसे दही ली हूँ और वही दो पैकेट के करीब, जैसे दो पैकेट में जितना दूध निकलता है उसमें से जितना दही होगा उतना दही मैं घर का ली हूँ, दोनों को मिक्स करके मैं इतना रेडी की हूँ, ठीक है। तो ये करीब हो गया 2 लीटर दही का, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्लासेस बनाऊँगी। और उसमें मैंने एक डब्बा, पूरा एक डब्बा मिल्कमेड मिला दिया। देखिए मिल्कमेड ऊपर में डालते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो मैंने मिल्कमेड डाल दिया। तो मिल्कमेड का जो स्वीटनेस होता है, और चीनी इसलिए कम डाला है कि वो मैनेज हो जाए, उसको अच्छे से इसमें मैंने फेंट दिया, देखिए। और इसका थिकनेस उतना ही रहेगा, इसमें पानी मैं नहीं डालूँगी। तो पहले मैं ये 6 ग्लासेस बना के आपको दिखाती हूँ, देखिए उसका थिकनेस दही का आपको दिख रहा होगा। पानी बहुत कम, मतलब वो आधा ग्लास के करीब बस, उस टाइप का, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये 6 ग्लासेस मैंने लिया है, और ये वाला ग्लास देखिए, इसमें 6 ग्लास अभी ले लूँगी। ये वाला ग्लास मुझे प्राइस में मिला था फेसबुक में, फूड जोन एक है, तो वहाँ पे जब फर्स्ट फूड जोन खुल, मतलब वहाँ पे कंपटीशन सब हो रहा था, तो एक बार मैं एक कंपटीशन में मैं फ़र्स्ट आई थी, तो उन लोगों ने ये वाला मुझे ऑनलाइन सेंड किया था। बहुत अच्छा ग्लास है, बहुत रेगुलरली यूज़ होता है हमारे घर में। तो देखिए सब में मैं दही डाल दी हूँ, तो दही का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लस्सी में, पानी पानी टाइप का कर देने से, या फिर उसमें थोड़ा सा जैसे रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। उसको अच्छे से आपको फेंटना होगा, पूरा मिक्स करना होगा, मलाई जैसे पूरा क्रीमी टाइप का रहता है वैसे ही करना होगा। आप इसको कर लिए, मैं एक साथ चाहूँ तो 10 ग्लास भी बना सकती हूँ, पर जी नहीं, मैंने नहीं बनाया, 6 ग्लास बनाया, फिर बाद में बनाऊँगी। तो आपको दिखाने के लिए देखिए, मैं फर्स्ट दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें मैंने सब ले लिया है यहाँ पे। जैसे ये कोकोनट मैं फर्स्ट डाल रही हूँ, कोकोनट को ग्रीड कर दिए हैं। कोकोनट को निकाल के नारियल को आप क्या करोगे, जिससे गाजर हम ये करते हैं ना, उससे आप ग्रीड कर लेना तो ऐसे ही निकलेगा, या फिर आप कोकोनट जैसे करते हैं वैसे करोगे तो अच्छा नहीं आएगा, यही वाला ही अच्छा लगता है इसमें। तो अच्छे से आप ग्रीड कर लीजिए कोकोनट को, उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा किशमिश दे रही हूँ, किशमिश हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो किशमिश दे रही हूँ देखिए। और ये वाला जो वीडियो है ये बहुत पुराना है, जैसे मैं बताई सावित्री के दिन ये वाला मैं वीडियो बनाई थी, तो बस आपको आज दे रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरे पास बहुत दिनों से था। देखिए किशमिश को अच्छे से देने के बाद मैं 2-3 पीसेस काजू दे दे रही हूँ उसमें। काजू जो लोग नहीं खाते, आप नहीं देने से भी चलेगा, और नारियल भी कुछ लोगों को एसिड हो जाता है गैस्ट्रिक, तो बहुत जन नहीं खाते हैं, तो नहीं देना आप, वो भी चलेगा, बाकी सब इंग्रेडिएंट देके बना सकते हो। तो देखिए उसके ऊपर मैं कतरी दे रही हूँ, ये वाला कतरी, चेरी हमारे घर में उतना पसंद नहीं करते तो मैं चेरी नहीं डालती हूँ, कतरी ही डाल दी हूँ। देखिए आप मल्टी कलर कतरी भी ले सकते हो, या फिर रेड कतरी भी ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है, आप घर में भी कतरी बना सकते हो। लास्ट ईयर हम लोग बनाए थे, उसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्नविटा, जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है आप बॉर्नविटा दे सकते हो, तो बॉर्नविटा भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़्यादा भी दे सकते हो या कम दे सकते हो। तो उसके ऊपर मैं ये दे रही हूँ रू अफ़ज़ा, रू अफ़ज़ा एक लिक्विड सिरप है जो कि इसमें भी चीनी रहता है, तो इसका भी मिठास चला आता है उसमें, इसलिए आप चीनी कम यूज़ करना दही में। तो देखिए ये वाला जो है रू अफ़ज़ा, आप रू अफ़ज़ा को दही के साथ फेंट भी सकते हो, लेकिन मैं ऊपर दे दी हूँ, वो अच्छा है, तो थोड़ा सा नारियल उसके ऊपर 1-2 पीस ऐसा दे देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्योंकि जब जितना चीज़ आप ऊपर डालोगे ना सब नीचे चला जाता है, तो थोड़ा थोड़ा फिर से दे देंगे अच्छे के लिए, देखिए। और ये हमारा जो लस्सी है ये करीब कंप्लीट हो चुका है ना, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साइड में रख दे रही हूँ, आप लोग देखिए। तो बस मेरा लस्सी हो चुका है रेडी फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लस्सी कैसा लगा ज़रूर बताइए। और मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी एक फ़ोटो उठाने के लिए सारे चीज़ों के साथ, तो उसको थोड़ा सा मैं सजा रही थी और किसी को बुला रही थी कि आ जाओ फ़ोटो उठाओ, मेरे हाथ में सब पूरा लगा हुआ था तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए लस्सी हो चुका है रेडी, अभी लस्सी बना सकते हो आप। और एक चीज़ कर सकते हो, जब दही फेंटा जाता है ना, तो आप उसमें जब मैं मिल्क में डाली तो आप उसमें एक साथ रू अफ़ज़ा डाल सकते हो और थोड़ा बॉर्नविटा भी डाल सकते हो, ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर घुल जाए और वो उसका टेस्ट एक अलग लगता है और इसका टेस्ट एक अलग लगता है। ये देखिए, ये छोटू फोटो उठा रहा था और दिखा रहा था मुझे कि दीदी ठीक हुआ या नहीं, वो फ़ोटो मैं लास्ट में दे दूंगी, जो जो फ़ोटो उठाया था, मैं भी 1-2 फोटो उठाई। कोई भी चीज़ खाना बनाओ तो उठाओ तो फ़ोटो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सब बहुत लोगों के पास पहुंच पाए और ढेर सारा प्यार मुझे मिले। तो देखिए ये वाला हमारा लस्सी रेडी हो चुका है, सारा इन्ग्रीडियंट, ज़्यादा कुछ मैं यूज़ नहीं किया, आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।